सो वेलकम बैक गाइस, आप लोग कैसे हो? आप सारे बंदे अच्छे होंगे, घर पे सेफ होंगे। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम बात करने वाले वन ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ द फास्टेस्ट फ्री फायर प्लेयर हु इज नोन एज राइज स्टार। जी गाइस, आज हम बात करने वाले राइज स्टार के बारे में। दैट मींस हाउ वी बिकम दिस अमाउंट दिस मच फेमस, हाउ वी गेट दिस अमाउंट ऑफ फेम एंड सपोर्ट इन आवर फ्री फायर गेमिंग कम्युनिटी इन शॉर्ट टाइम। दैट मींस मतलब वो इतना कम समय में इतना ज़्यादा फेमस कैसे हो गया, इतना ज़्यादा फेम कैसे गेन कर लिया। मैं आपको इस बारे में सब कुछ एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा, मतलब वो पहले कैसा था, पहले का गेम प्ले कैसा था एंड सब कुछ बताऊंगा। सो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। एंड अगर आप राइज स्टार के फैन हो तो प्लीज मेक श्योर टू हिट दैट सब्सक्राइब बटन एंड आपके फ्रेंड के साथ जरूर एक बार शेयर भी कर देना। ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, मैं आपको राइज स्टार के बारे में एक चीज क्लियरिफाई कर देता हूँ कि मतलब ये चीज सुनने के बाद आप अमेज भी हो जाओगे, आपका रिएक्शन OMG टाइप का भी हो जाएगा। मतलब वो क्या है कि राइस्टार बिकॉज ऑफ हिज वन गेम प्ले, जी हाँ गाइस, राइस्टार का एक गेम प्ले की वजह से राइस्टार अभी जितना फेमस है सिर्फ और सिर्फ उसका एक गेम प्ले की वजह से। मतलब अगर आपको यकीन नहीं होता इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना, मैं दिखाऊंगा मतलब कैसे हुआ है सब कुछ। एंड बहुत सारे लोग ऐसा भी कहते हैं कि मतलब ज्ञान भाई एंड राइस्टार अभी रिसेंटली फ्रेंड बने हैं एंड ड्यू टू राइस्टार मतलब ज्ञान भाई ने सिर्फ और सिर्फ राइस्टार का नाम यूज करके अपने चैनल ग्रो किया है। तो मैं इन सारे लोगों से ये चीज बोलना चाहता हूँ कि गाइस ये सब गलत है। ओके, राइस्टार एंड ज्ञान भाई पहले से दोस्त थे, तो मैं डोंट वरी, मैं इस पर मैं सब कुछ बता दूंगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो ये बात है 2 years पहले गाइस, जब ज्ञान भाई का 1500 सब्सक्राइबर हुआ करता था एंड जब गेरना न्यूली आया था तभी ज्ञान भाई गेरना का लाइव स्ट्रीम करते थे। ओके, एंड मतलब ज्ञान भाई आपने लाइव स्ट्रीम में खुद हर एक दिन अपने सब्सक्राइबर के साथ गेम प्ले करते थे एंड जिस जो भी सब्सक्राइबर का फ्रेंड रिक्वेस्ट ज्ञान भाई को आता था उस सारे सब्सक्राइबर का रिक्वेस्ट ज्ञान भाई एक्सेप्ट करके उन सारे के साथ गेम प्ले करते थे। ओके, लाइव स्ट्रीम पे, वो भी यूट्यूब पे। ओके, सो ऐसा ही ज्ञान भाई का दिनचर्या चल रहा था एंड एक दिन राइस्टार का रिक्वेस्ट आया गाइस ज्ञान भाई को, आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। एंड ज्ञान भाई ने सारे के मतलब राइस्टार भी तभी ज्ञान भाई का एक सब्सक्राइबर हुआ करता था एंड ज्ञान भाई ने राइस्टार का फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया। ओके, एंड उसके बाद क्या हुआ कि मतलब ज्ञान भाई ने राइस्टार को एक नॉर्मल सा सब्सक्राइबर समझ के राइस्टार के साथ एक मैच खेल लिया फ्री फायर में। बट राइस्टार को क्या मालूम था कि उस मैच के बाद उसका लाइफ में इतना बड़ा टर्निंग पॉइंट आएगा कि मतलब आप खुद ही देखो। ठीक है, उस मैच में राइस्टार के साथ ज्ञान भाई खेले एंड उस मैच में राइस्टार ने इतना ओपी गेम प्ले दिखा दिया कि मतलब 13 किल के साथ बोया कर लिया राइस्टार ने, वो भी फुल स्क्वाड भी वाइप आउट कर लिया अकेले ही। एंड पहले ही बता देता हूँ गाइस, पहला फ्री फायर मतलब पहले का फ्री फायर में ना ही ड्रैग होता था ना ही वन टैप होता था, बट राइस्टार का उस टाइम पे गेम प्ले इतना ओपी था कि मतलब एक फुल स्क्वाड भी वाइप आउट कर लिया। मैं दिखाऊंगा वो गेम प्ले, तो आप इस गेम प्ले में देख सकते हैं गाइस ज्ञान भाई इधर जा रहे हैं। गाइस ये ओल्डेस्ट गेम प्ले है। ओके, सो क्वालिटी अच्छा नहीं होगा। सो ज्ञान भाई को इस एनिमी ने नॉकआउट कर दिया एंड अभी राइस्टार उधर से आने वाले है। ओके, रुकिए गाइस, राइस्टार का एक हीरो वाला एंट्री होगा एंड सारे के सारे स्क्वाड को वाइप आउट करेगा राइस्टार। ओके, वेट गाइस, राइस्टार इस एनिमी को मार रहा है, ज्ञान भाई अभी नॉक है, उधर दिख रहा है ना आगे आगे का राइस्टार है। सो अभी राइस्टार फुल स्क्वाड को वाइप आउट करेगा उस टाइम में भी जब ड्रैग वन शॉट कुछ भी नहीं होता था। ओके, आप देखिए गाइस, राइस्टार ने फुल मतलब आप देखो ये देखिए गाइस, राइस्टार ने फुल स्क्वाड को वाइप आउट कर लिया एंड आप देख सकते हैं गाइस 13 किल के साथ राइस्टार ने बोया कर लिया एंड ज्ञान भाई का उस टाइम में किल था 3। तो आप खुद ही देखिए गाइस, राइस्टार का उस टाइम में भी मतलब कितना ओपी गेम प्ले था। तो राइस्टार को मतलब ऐसे ही बोलते हैं हैकर, मतलब जब वन टैप जब मतलब ड्रैग नहीं होता था तभी से राइस्टार का इतना ओपी गेम प्ले था। ओके गाइस, एंड उस गेम प्ले के बाद ज्ञान भाई को राइस्टार का गेम प्ले बहुत ओपी लगा, बहुत ऑसम लगा, फैन हो गए ज्ञान भाई राइस्टार का मतलब। एंड उस गेम प्ले के बाद हर एक ज्ञान भाई का हर एक लाइव स्ट्रीम पे राइस्टार को खेलवाते थे ज्ञान भाई एंड ऑडियंस को भी राइस्टार का गेम प्ले बहुत ओपी लगता था लाइव स्ट्रीम पे। सो ऑडियंस भी ज़्यादा आ रहे थे, उसकी वजह से ज्ञान भाई का चैनल भी बहुत अच्छे से ग्रोथ हो रहा था एंड उसके साथ साथ राइस्टार भी फेमस हो रहा था, उसको फेम मिल रहा था। ठीक है, एंड कुछ वक्त बाद राइस्टार ने अपना खुद का चैनल क्रिएट कर लिया एंड एक वीडियो अपलोड कर लिया एंड
एक वीडियो अपलोड करने के साथ साथ राइस्टार को इतना ज़्यादा सपोर्ट मिला ना गाइस, मतलब आप यकीन मतलब सोच नहीं सकते इतना ज़्यादा। वीडियो अपलोड करने के साथ साथ 2 लाख 3 लाख ऐसे ही 3-4 दिन में ही हो गया सब्सक्राइबर, बिकॉज ज्ञान भाई ने पहले ही मतलब पहले से ही राइस्टार को फेमस करके रखा था। राइस्टार का अच्छा गेम प्ले के होने के साथ साथ उसको ऑडियंस पहले से ही मिलता गया, मतलब ज्ञान भाई का ऑडियंस राइस्टार को सारे मतलब ज्ञान भाई का सारे ऑडियंस राइस्टार को पहले से ही जानता था। तो जब भी राइस्टार ने अपना न्यूज चैनल क्रिएट करके वीडियो अपलोड किया तो ज्ञान भाई का सारा ऑडियंस जो राइस्टार को जानता था वो सारा ऑडियंस जाके राइस्टार को सपोर्ट किया, एंड यूट्यूब का रिकमेंडेड सेक्शन भी मतलब इतना ज़्यादा ग्रोथ देख के राइस्टार का वीडियो यूट्यूब ने भी रिकमेंड में डाला, एंड उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा वायरल गया राइस्टार का वीडियो। सो ऐसा इतना कम समय में ऐसे राइस्टार फेमस हुए, मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं गाइस राइस्टार जो अभी जहाँ है ना वो सारे सब कुछ ज्ञान भाई का कृपा से है। मतलब अगर ज्ञान भाई राइस्टार को लाइव स्ट्रीम पर नहीं खिलाते पहले तो अभी मतलब राइस्टार का जितना फेमस था ना वो फेमस नहीं होता। भले ही राइस्टार का जितना ओपी जितना अच्छा जितना गॉड लेवल गेम प्ले ही क्यों ना हो, एंड आप देखते हो ना बहुत सारे यूट्यूबर का गेम प्ले तो ओपी होता है बट ड्यू टू सम रीज़न मतलब उसका मतलब ऑडियंस ग्रैप नहीं हो पाता, एंड उसकी वजह से वो यूट्यूब क्विट कर लेते हैं अच्छा ऑडियंस ना मिलने की वजह से। एंड बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं ना राइस्टार हैकर है राइस्टार ओ है, तो राइस्टार हैकर नहीं है गाइस बिकॉज राइस्टार का आईडी अभी तक हैक नहीं हुआ, बट सारे लोग बोलते हैं कि राइस्टार डीपी यूज़ करता है। तो मैं आप सभी को ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि गाइस राइस्टार डीपी यूज़ करता भी है तो भी मतलब बहुत बड़े बड़े प्लेयर पे डीपीआई यूज़ करते हैं, तो इसमें कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। एंड एक और चीज़ गाइस, अगर राइस्टार डीपीआई यूज़ करता था तो वो कैसे टूर्नामेंट खेला, आपको पता होगा कुछ दिन पहले राइस्टार ने एक टूर्नामेंट खेला था, तो मुझे नहीं लगता कि राइस्टार ने अभी भले ही पहले डीपीआई यूज़ करता था बट अभी डीपीआई यूज़ नहीं करता, आपको भी मालूम होगा बिकॉज अगर राइस्टार डीपीआई यूज़ करता था तो वो टूर्नामेंट नहीं खेल सकता था। ओके, बट राइस्टार ने टूर्नामेंट खेल के दिखाया। एंड बहुत सारे लोग ऐसा भी कहते हैं कि ज्ञान भाई ने राइस्टार का नाम यूज़ कर करके हमारा चैनल ग्रोथ किया है गाइस, तो ये सब गलत है बिकॉज अगर ज्ञान भाई ने राइस्टार को पास्ट में हेल्प नहीं किया होता सपोर्ट नहीं किया होता तो अभी जो राइस्टार जो पोजिशन में है ना वो पोजिशन में बिल्कुल नहीं होता था। मतलब समझ रहे हो ना गाइस, मतलब अगर पास्ट में ज्ञान भाई ने सपोर्ट नहीं किया होता तो राइस्टार अभी कुछ भी नहीं होता, भले ही जितना ओपी लेवल गॉड लेवल गेम प्ले भी क्यों ना दिखाए। ओके, बिकॉज ऑडियंस ग्रैप नहीं होता, सिंपल बात है। सो आपको कैसा लगा गाइस राइस्टार का स्टोरी, राइस्टार का टर्निंग पॉइंट, सब कुछ मैंने हेड टू टेल बता दिया। तो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड इफ़ यू आर राइस्टार फैन देन प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड शेयर तो बिल्कुल कर देना, बिकॉज अगर राइस्टार के फैन हो एंड ज्ञान भाई के फैन हो तो भी शेयर कर देना। एंड मैं आपसे मिलूंगा एक और ऑसम कंटेंट के साथ, एक और न्यू ऑसम वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू, पीस। Shack for beat, it's a new hit. New hit. If I called you for 10 away, it's a new drip. Bonds and spade on my chest. I'm stupid. 550 bands make a bitch go stupid. 3 bands make a nigga feel ruthless. Mom's in pain, so I wish I'm new shit. I'm with gang, we go see millions. I said, get me them buildings. Packing shit, they drugs are dealing. I did wrong before I was stealing. Say that I learned my lesson. Please don't claim, but account your gang, gang, gang.